चलिए भाई, तो आज ऑलमोस्ट आपका परसेंटेज के ये वाले जो क्वेश्चन है आज खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। आयत वाले क्वेश्चन पे थे हम कल, आयतन वाले पे, वॉल्यूम वाले पे। एक गोली के व्यास की 10% जो है कम किया गया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन जो था। तो भैया देख लीजिए एक बार वाला क्वेश्चन, एक गोले का व्यास अगर 10% कम करा गया है तो पहली कंडीशन ए भी 10 और बी भी माइनस के 10, और माइनस माइनस 10 × 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, माइनस माइनस प्लस 10 और 10, तो माइनस के 20 कैसे हुए, समझ में आया आपको दोनों का? आया समझ में, माइनस के 20 कैसे हुआ, और ये प्लस के क्या बचा, 1 × 1 यानी 1, अपॉन का 1 हम शो नहीं करते, माइनस के 20 और प्लस के 1 कितना हुआ, नहीं माइनस के 19, देखो क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस 20 में से 1 गया 19 बचा, और 20 बड़ा होने की वजह से क्या कंडीशन आया, माइनस का, बात समझ में आया। आयतन का क्वेश्चन था हमारा वो गोले वाला, ज़्यादा कुछ नहीं अंतर आया, बस जो आपने करा है उसमें एक एक लाइन आगे बढ़ानी है, ठीक है ना, वो ये बताने से रह गई थी। अंतर जो पहला था, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई थी, है ना, उसमें कितनी प्रतिशत की कमी आई होगी ये बताना है। तो गोले के व्यास में हमारी माइनस के 19 आई थी ना अभी, अब हुआ क्या, माइनस के 19 की तो कमी हुआ ही, माइनस के 19 की कमी तो ये आई थी, और 10% का अंतर वैसे हो रहा था, क्योंकि हर हर भुजा में 10% का अंतर बताया था उसके व्यास में, तो माइनस माइनस प्लस 19 × 10/100, क्या ये वाली बात समझ में, क्या हुआ, ये हुआ क्या, पहले हमने उन दो को निकाला, है ना, असल में होता क्या है, मैं बताना भूल गया आपको, आपकी ये तो होती है 2D फिगर, 2D फिगर जिसमें आपका वर्ग, आयत, ठीक है, त्रिभुज, ऐसी चीजें आती हैं, ये तो होती है 2D, और एक होती है 3D फिगर, 3D फिगर, इसमें आपके आते हैं घन, घनाभ, और आपका जो है बेलन, इस तरह की चीजें आती हैं जिनमें तीन भुजाएं होती, जैसे घन, एक आपने वो देखा होगा लूडो का पासा घन हो गया वो, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा एक बिंदु पे अगर आप ध्यान केंद्रित करोगे उसके एक साइड पे, तो वहां पे आपको तीन लाइनें मिलती दिखाई देंगी, है ना, जैसे यहाँ दो ये कोना आप पकड़ो, यहाँ पे आपको तीन लाइनें दिख रही हैं, एक तो ये वाली दीवार, एक वाली दीवार, और एक ऊपर सीलिंग, है ना, यहाँ पे तीन लाइन मिल रही है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ इधर भी ऐसी तीन लाइनें मिलेंगी, ऐसी फर्श में भी नीचे दिखेंगे आपको, हर जगह ऐसे तीन मिलेंगे ना, ये होती है 3D शेप। तो यहाँ पे कंडीशन 3 बार निकालनी होती है, यहाँ कितनी बार निकालनी होती है कंडीशन, 3 बार, तो एक बार तो हमने उस मेथड से निकाली थी तो माइनस के 19 आया था ना अभी, यहाँ तक अगर माइनस के 19 आने तक कोई दिक्कत है तो आगे का समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, आया आपको, चलिए अब इसके आगे का समझते हैं। माइनस के 10 कहाँ से आया, अब भाई तीसरी कंडीशन भी तो थी, जब बाकी दो 10 कम हुई तो तीसरी भी तो 10 ही कम हुई होगी, तो वो 10 आ गया, तो -10 और वो -19 -10 और माइनस माइनस प्लस 19 × 10/100, यानी जो कंडीशन हमने अब तक दो कंडीशन के लिए करी थी वो तीसरे के लिए भी करनी है, बात समझ में आई। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ तो माइनस के 29 कैसा आया समझ में, और यहाँ से सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब ये वाला जो जीरो हटेगा इसमें पॉइंट एक कदम आगे बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, पॉइंट डाइल प्रतिशत समझ में आई, तो ये प्लस के 1.9 आया या नहीं आया, अब इसको क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये 29.0 में से 1.9 को माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1.6 पॉइंट, 9 में से दिया था 8, है ना, अब 8 में से 1 गया 7 और 1 2 27.1 आंसर इसका आ गया परसेंट में, पहले वाले का आंसर ही बढ़ा लो, आज पता नहीं ध्यान कहाँ था वो बताते बताते रह गया। चलिए पहले वाले में ये बढ़ा लीजिए लाइन, और इसी के आगे दूसरे वाले में बढ़वाऊंगा,
इस वाले में गलती आ गई। ये वाला हटा रहा हूँ, इसमें गलती आ गई है, ये ज़्यादा गलत हो गया। ये वाला समझ में आया? आज गलती हो गई भाई, एक पॉइंट पर नहीं, कैसे माइंड सेट हो गया। अब ध्यान से देखो, हमारा क्या है, बेलन है। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, बेलन, क्या बेलन की फिगर ऐसी दिखती है कुछ कुछ है? ये तो होती है बेलन की फिगर, सिलेंडर यानी। अब ध्यान से देखो, इसमें सर्कल कहाँ आ रहे हैं, यहां पर और यहां पर, ठीक है। रेडियस कितनी बढ़ रही है, रेडियस कितनी बढ़ रही है, त्रिज्या 5%, 5% की वृद्धि है उसमें। और बीच का जो है, ये पूरा ध्यान से देखो, बीच का पोर्शन ये क्या है हमारा, ये भुजा पे आधारित है। देख लो, ये भुजा और ये भी भुजा, ये भुजा पे आधारित है ना। तो भुजा कितनी बढ़ रही है, 10, ये तो रेडियस है ऊपर नीचे सर्कल की वजह से, और ये भुजा पे आधारित है ना, यानी साइड पे। और साइड कितनी बढ़ रही है हमारी, 10%। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, फिर देख लेते हैं दूसरे उससे मार्कर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर क्या है, ये सर्कल है ना, और सर्कल में क्या देखोगे, या तो डायमीटर देखोगे या रेडियस देखोगे। तो मैं डायमीटर तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, जब मुझे रेडियस दे रखी है उसने, रेडियस ही तो दे रखी है 5% वृद्धि। पहले देखो ये रेडियस यहाँ दे रखी है, तो रेडियस हमें यहाँ पे भी दिखेगी या नहीं दिखेगी, पहले बताओ। ये किसको समझ में दिया, रेडियस देखना समझ में आया पक्का? तो यहाँ ऊपर और नीचे कितनी जगह, दो जगह रेडियस दिख रही है, दिख रही है। अब तीसरी कंडीशन में चाहे तो साइड देखो तो एक ही जगह है, ध्यान से देखो। तो इस पूरे की हाइट को ही तो साइड बोल रहे हैं, इस पूरे की यहां से लेकर यहां तक की जो हमें हाइट दिख रही है, इसे ही तो हम साइड बोल रहे हैं, है ना। तो ये कितनी है, ये पूरे में एक ही है, तो ये 10 है। बस समझ में, रेडियस दो जगह कैसे दिख रही है, पहले ये समझ में आया, क्लियर। हाइट एक ही है, जैसे कोई, चलो ये मार्कर ही देखो, मार्कर के ऊपर की तरफ एक सर्कल दिख रहा है, नीचे की तरफ एक सर्कल दिख रहा है, कितने सर्कल दिखे, दो। अब दो सर्कल है तो दो रेडियस नहीं होंगी क्या उनमें, आई होंगी, वो बात अलग है कि भाई दोनों रेडियस सेम आए, है ना, ठीक है। लेकिन हाई तो दो रेडियस इसमें, इतनी तो बात सबको समझ में आई। कई बार एक क्वेश्चन तुर्की टोपी के ऊपर आया था, तुर्की टोपी देखी कभी किसी ने, वो कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से। तो उसमें रेडियस ऊपर वाले सर्कल और निचले सर्कल की रेडियस में अंतर आएगा या नहीं आएगा, वहाँ पे ही अंतर आता है। तो ये तुर्की टोपी में होता है ये काम, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए सिलेंडर बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें क्या हुआ, ऊपर एक रेडियस मिली, नीचे एक रेडियस मिली। अब हाइट कहाँ है, इस पूरे पैन की, इस पूरे सिलेंडर की हाइट दिख रही है ये। अब मैंने इस के जो ऊपर और नीचे वाला सर्कल था, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की, 5%, की त्रिज्या में क्या वृद्धि हुई, 5%, ये हुई है ना। और इस पूरे की हाइट कितनी बार है, एक ही तो हाइट, केवल सर्कल दो बार था, तो त्रिज्या हमारी दो बार रिपीट होगी। लेकिन साइड या कह सकते हो हाइट, वो कितनी बार है, एक ही तो बार है, तो वहां पे 10% की वृद्धि हुई, कितनी बार, एक बार। पहले बताओ ये चीज समझ भाई। अब यहाँ पे हमें तीन साइडें मिल रही हैं, हमारा काम क्योंकि थ्री डायमेंशन पे, तो हमें तीन साइडों से करना पड़ेगा। अब देखो पहली दो साइड क्या हुई, त्रिज्या, पहली दो साइड क्या हुई, त्रिज्या। तो एक बार 5 बढ़ी, फिर दोबारा 5 बढ़ी, 5×5/100। फिर देखो क्या हुआ, रेडियस में 5% की वृद्धि हुई है, तो 5% की कितनी बार रेडियस आई है, दो बार, तो दो बार वृद्धि करनी है। तो एक बार 5, तो दूसरी बार का 5, और प्लस 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 5×5/100। अब समझ में आया ये क्या हुआ पक्का, वो जो मिस्टेक हुई थी उसको सुधार लो, ठीक है ना। अभी जो दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा था, चाहे उसे एक बार कट कर लो या आगे कहीं लिख लो, इसको आप सही मेथड को कर लो। पहले इससे हमने क्या करके निकाला, 5 और 5 10, प्लस 5 के टेबल में आया 20 टाइम, 5 के टेबल में आया ये 4 टाइम, यानी 1/4। तो ये 10 होल 1/4, या कह सकते हो 1/4 को 0.25, ये आ गया आपका पहला प्रतिशत। हाँ बताओ बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत हो बताओ, क्योंकि ये मिस्टेक हो गई है आज, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मिस्टेक हो गई आज, तो बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। पॉइंट टू फाइव अभी बता रहा हूँ, देखो जब भी आप 4 से 1 को डिवाइड करोगे, तो 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा, हाँ
लेकिन ऐसे नहीं हो गए, पहले हुआ क्या, आप समझो हम अभी तक टू डायमेंशन का काम कर रहे थे, अब हम आ गए थ्री डायमेंशन पे। थ्री डायमेंशन में क्या होता है, कंडीशनों में तीन साइडें हो गई, वहां पे हमें दो साइडों पे ध्यान देना था, यहाँ तीन साइडों पे, लेकिन फॉर्मूला तो एक बार में दो साइडों के लिए है, तो हमने क्या करा, एक बार फॉर्मूला लगाया और त्रिज्या के लिए निकाल दिया। अब इससे जो वृद्धि आई होगी उसको उठाएंगे और यहाँ जो साइड की वृद्धि होगी, हाइट की वृद्धि होगी, उससे करेंगे। बात समझ में आई? फिर देख लीजिए, 5 + 5 + 5 × 5/100, ये समझ में आ गया था, ये सॉल्व होगा हमारा 1/4 कैसा बना, ये समझ में आया। 5 × 5 = 10। अब 4 से इस 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 कैसा आया, समझ लीजिए। पहले इससे ये बताना समझ में आया, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया सिंपल कर दो। यहाँ पे अब देखो, 4 की टेल में 1 तो हो नहीं सकता, तो हमने क्या करा, 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर लाइन का एक 0 पड़ेगा ना। पॉइंट एक ऐसी राशि है जो कई बार वो आती ना स्कीम आती है कि भाई आप एक बार पैसा जमा करो पूरी जिंदगी आपको सामान मिलता रहेगा, वो वाली स्कीम है ये, है ना। तो आपने एक बार दशमलव दिया और अब आपको हर लाइन में एक फ्री का जीरो मिलेगा, एक फ्री का जीरो अब हर लाइन में मिलेगा। 4 × 2 = 8, 10 में से 8 का क्या बचे, 2। पॉइंट लगा हुआ है तो क्या हो गया आगे, 0। 4 की टेबल में 20 आता है क्या, फोर फाइव सा 20। दवाई का नशे केवल मुझे ही नहीं चढ़ रहा, इनको भी चढ़ गया। तबीयत खराब वालों के साथ आज ज्यादा ही कुछ गलत हो रहा है। तो समझ में आया कैसा आया, 0.25। तो 0.25 इस तरह से बनाओ, जब वो 10 में ऐड करोगे तो 10.25 बन जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं कई बार हो जाता है, चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में मत करना बस, ये गलती पेपर में भारी पड़ती है। यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, हरी बजाय में टल गई, पेपर में गलती भारी पड़ जाती है। पहले बताइए समझ में आया, अब आगे देखो, अब हमारी कंडीशन 10.25 तो ये आई है, ये किस में आई है, पॉजिटिव आई है, वृद्धि, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, पॉजिटिव में ही है, 10 प्लस 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 10.25 मल्टीप्लाई बाय 10/100। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इसको ऐड करा दो, 20.25 आया प्लस, ये देखो इसको ऐड करेंगे ना भाई, आपके पास है समझ लो 10 रुपये, यहाँ है 10 रुपये, यहाँ तो 20 रुपये हुए और 0.25 आ गया, है ना। देख लो 10.25 और 10.00 भी तो कह सकता हूँ उस 10 को मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के बाद पॉइंट होता है तो उसके बाद इन्फाइनाइट जीरो हो सकते हैं, है ना। तो 25 अपनी जगह उतरा, पॉइंट अपनी जगह आया, 0 और 1 और 1 2 तो आ गया ना, बात क्लियर हुई। उसके बाद इधर देखिए, यहाँ क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो हटा, अब ये वाला जो जीरो होगा ये पॉइंट को कहाँ ले जाएगा, पीछे या आगे, सोचो आगे। तो ये क्या आया, 1.025। तो अब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना है, 20 और 1 21.2 और 0 2 5 और 2 7 और ये 5। मैंने उल्टी ऐड करी है, ऐड यूँ होती है, मैंने यूँ करी है, फिर देख लो अभी समझ में नहीं आए। 20.25 समझ में आया, ये कैसा आया, ये तो ये वाला वैल्यू है। अब ये पॉइंट नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले था 1 और उसके बाद 0 2 5, जो जगह खाली बच गई वहाँ मैंने भर दिया 0, ऐड कर दो, 0 और 5 5 5 और 2 7 2 और 0 2, पॉइंट नीचे पॉइंट, 0 और 1 1 2 और 0 2। आगे देख लो, इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। ये क्या कायम आया, वृद्धि में आया, कमी में आया, वृद्धि में, क्योंकि पॉजिटिव है तो वृद्धि में आया। अभी आपको समझ में नहीं आया, डाउट है, बताओ कहाँ डाउट है, कौन आराम से रिलैक्स माइंड से बिल्कुल पूछो कि सर ये यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ये 2 बार क्यों कर दिया, ये 3 बार क्यों कर दिया, बहुत आराम से पूछो, मुझसे जैसा बन पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा, रिलैक्स माइंड से पूछो जो चीज़ समझ में ना है। देखो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ 2 बार रेडियस लेके करा गया है और यहाँ 2 बार रेडियस से जो आंसर आया था वो रिजल्ट को पकड़ा और उस साइड को पकड़ा और फिर करा, ठीक है ना, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना। पहले बताओ ये चीज अब समझ में आई या नहीं, आ गई पक्का आपको, मैं ध्यान ही देना, आप मांग रहे थे ध्यान देने, हाँ नहीं चलो वो तो कोई बात नहीं,
वो मैं देख लिया था कि आपका ध्यान लिखने में ज़्यादा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, आज हमसे भी गलती हो गई, रात ही खाई हुई दवाई का मिशन ही उतरा भी था। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिखवाया था, जिन अगला क्वेश्चन लिख लीजिए चाहे दोबारा, जो वही वाला उतार लिया क्वेश्चन लिख रखा है। चलिए तो बस यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है, घन हो रहा है, लेकिन बात तीन बारी होगी। इधर हटा दे, देख लीजिए। अब घन को भी अगर आप बना के देखना चाहें तो ऐसे बना के देख लीजिए, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा स्टार्टिंग में। वैसे किवाड़ इसलिए नहीं खोला जाता, मैंने इससे शोर इतना आता है वीडियो में। चलिए देखिए, एक हम बना रहे हैं अब घन, घन क्या होता है, एक तरह का आपका जो लूडो का पास है वो है ना। अब घन की सारी भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है ना, चाहे इधर की देख लो चाहे इधर की देख लो, सारी भुजाएं सेम होती है, बराबर होती है भाई, इसकी हर एक साइड सेम होगी। ये क्या है, बस दो स्क्वायर को और बाकी चार स्क्वायर से मिला के लगाया गया है, ऊपर नीचे का स्क्वायर कोई है क्या यहाँ पर। चलो ये डब्बी से समझाने की कोशिश करते हैं, इस डब्बी की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर को। ये वैसे घनाभ है यानी आपका क्यूबॉइड है, लेकिन इसे थोड़ी देर को आप घन मान के चलो। घन का मतलब क्या हुआ, ऊपर की जैसी साइड ये दिख रही है चार, ये एक तरह से स्क्वायर है ना, ऐसी इतनी यहाँ पे चौड़ाई पे नीचे सारी साइड होंगी, बात क्लियर हुई, और इसका बेस भी उतनी चौड़ाई पे होगा, ठीक है, वो आपका घनाभ हो गया, वो सॉरी घन हो गया। ये आपकी शेप क्या है, इसमें ऊपर और नीचे की जो साइड है वो तो बराबर दिख रही है, बट बीच में लंबाई ज़्यादा हो रही है ना, तो ये क्या हुआ, घनाभ हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीन साइड दिख रही हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, हाइट में डिफरेंस है, लेंथ और ब्रेथ तो लगभग सेम ही दिख रही है ना, लेंथ थियरी ब्रेथ थियरी, हाइट जो है उसमें अंतर आ गया, ठीक है ना, बात क्लियर हुई, तो वो घनाभ हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हमें क्या कहा है कि हर साइड पे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है ना, हर साइड पे 10% की वृद्धि होगी नहीं होगी, तो पहली दो उठा लो, इन दो को उठाया मैंने पहले, तो 10 और 10 20 प्लस 10 × 10/100, ये वाली बात समझ में आई पक्का, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 10 और 10 20 और 1 21, 21% कैसा है, समझ में आया नहीं आया, आ गया पक्का आपको पीछे। अब इस 21 को किसके साथ उठाएंगे, इस 10 के साथ, तो 21 + 10 + क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 21 × 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 31, प्लस 1 0 हटा तो पॉइंट एक कदम आगे बढ़ गया, तो 2.1, क्या वाली बात समझ में आई, तो कितना आया 33.1%, समझ में आई बात अभी, ये नहीं आई, देखो पहली दो साइडों को तो यहां करा है और फिर उस दोनों साइडों का प्लस तीसरी साइड का यहां करा है, ठीक है ना, इनका जो रिजल्ट आया था, बल्कि हम रिजल्ट लिख देता हूँ दूसरी की जगह, इनका जो ऊपर वालों को रिजल्ट आया था उसको उठाया, 30 रिजल्ट के साथ कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो एक बार में दो साइडों पे ही लग सकता है, दो पे ही वर्क कर सकता है, तीन पे वर्क करने के लिए फॉर्मूला नहीं है, या तो उठाओ बेसिक मेथड लगाओ, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, वो आपने कल देखा भी होगा डेमो में, कल परसों में, क्योंकि कितना लंबा घूम रहा है, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको छोटी सी कंडीशन याद रखनी है, दो क्वेश्चन और हैं इसके, फटाफट इसे भी कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन से आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये घनाभ वाले पे है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो घन पर आधारित थे, इसलिए वहाँ घूमने की संभावना बन गई थी, ये घनाभ पर आधारित है तो यहाँ नहीं घूमेंगे। चलिए उतर गया सबका, ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है एक हॉल की लंबाई, या ऐसा लिख लो विद्या क्लासेस के कमरे की लंबाई, ठीक है, 10%, 20% और 10% घटाई गई है, मत लिखना विद्या क्लासेस से, कमरे की लंबाई तो घटा रही है उल्टा, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लो ऐसे, और लिख लो ढंग से, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
लिख लिया 10%, 20%, 10%, ये तीनों समझ में आई। क्या करी जा रही है? घटाई गई, यानी घटा रहे हैं। तो एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10%, 20%, 10% घटाई गई, या क्रमशः लिख सकते हो उसके आगे, है ना। उसके आगे कह रहा है हॉल में आयतन में, हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई और ये रही ऊंचाई, ऐसे मान लो, है ना। अब कुछ नहीं कर रहे, लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है, 10% घटाई गई है सॉरी, और चौड़ाई 20% घटाई गई है, और फिर ऊंचाई 10% घटाई गई, ये तो है। फिर वही वाला काम, शुरू के दो को देख लीजिए ध्यान से, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, ये वाला हटा रहा हूं मैं। शुरू के दो को देखिए, माइनस के 10 और माइनस के 20, तो माइनस माइनस 10 × 20 कितना हो गया, 10 × 10 = 10, तो माइनस माइनस प्लस तो हुआ, तो ये माइनस के 30 बना और ये प्लस के 2 आया। ये समझ में आया माइनस के 30 और प्लस के 2 कैसा आया। अब माइनस प्लस 30 में से 2 गए 28 और 30 बड़ा होने की वजह से क्या कंडीशन आया, माइनस का। क्या अब समझ में आया कैसा आया ये पक्का, तो माइनस के 28% तो इसका रिजल्ट आया। अभी तीसरी हाइट भी तो बच रही है ना, तो माइनस के 28 ये और माइनस के 10 ये, तो माइनस माइनस प्लस 28 × 10/100, 10 × 10 कट गया, माइनस के 38 तो ये आया, इतना समझ में आया। अब प्लस 28/10, 10 हटाया, 0.1 कदम आगे बढ़ाया, माइनस के 38 प्लस 2.8, अब इनकी प्लस करके निकाल दो जल्दी से क्या आएगा, प्लस ऐसे भी हो रही है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 38 में से 2.8 नहीं आनेगा, 35.2 आएगा। देखो कैसे इस रे से कह दिया तो 7 बचा और इधर आ गया 10 में से 8 गया 2 पॉइंट, नीचे पॉइंट, 7 से 2 गया 5 और ये 3, 35.2 समझ में आया। तो इसका क्या आंसर आया, माइनस के 35.2, यानी कितनी कमी आ गई, परिवर्तन कितना आया, माइनस के 35.2 का डिफरेंस आया। बस समझ में आई, इसे उतार लो फटाफट, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कल जरूर पूछना, आज ही पूछ सकते हो, ऐसा तो ऐसा नहीं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद ये वाला मेथड आज समाप्त हो जाएगा, कल हम इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पर चलेंगे, ये वैसे ये भी लैंग्वेज वाले हैं, लेकिन कल बिल्कुल लास्ट तरह के उस पर आ जाएंगे, और 2-3 दिन का और बचा है बस ये चैप्टर, 2 दिन का और। हाँ जी, अब लिखे आगे, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, 10% क्या करी जा रही है, घटाई जा रही है, चौड़ाई 20% घटाई गई, कॉमा, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। लंबाई और चौड़ाई क्या करी गई, घटाई गई, और लेकिन जो ऊंचाई थी वो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई 5%। पहले इतना लिख लिया, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले क्या किया जा रहा है, लंबाई को 10% घटाया जा रहा है,
और फिर चौड़ाई को 20% घटाया जा रहा है, उसके बाद ऊंचाई को 5% बढ़ाया जा रहा है। इतना समझ में आया? ये तो रहा क्वेश्चन में भाई, 10% लंबाई घटाई, 20% चौड़ाई घटाई और हाइट को 5% बढ़ा दिया गया। अब ध्यान से देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100, ये तो करना है। लंबाई क्या है? माइनस के 10, माइनस के 20। हाँ, तो अभी बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो हम ऐसे ही लगाते हैं। अब उसके बाद देखो, घटाने के लिए माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 10 गुणा 20 बटे 100। ये मैंने एक नया तरीका आपको सिखा दिया, अगर आपको कभी उस तरीके से कंफ्यूजन हो तो इससे कर सकते हो। वरना अंतर कुछ नहीं है, ये चीज ऐसे देख लो चाहे डायरेक्टली ऐसे देख लो, बात तो वही है, अंतर कुछ भी नहीं है। अभी देख लो, माइनस के 30 आ गया और प्लस 10 से 10, 10 से 10 और ये 2। आप ध्यान से देखो, आपका 30 रुपये का उधार था, 2 रुपये आपने चुका दिए, तो कितने रुपये का उधार बचा होगा? 28 रुपये का बचा होगा। तो ये माइनस का 28, क्या वो समझ नहीं आया? फिर देख लो, आ गया पक्का भाई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ज्यादा क्लियर हो गया? अब ये माइनस के 28, ठीक। अब उठाओ, हाइट कितनी है? प्लस के 5, तो प्लस के 5, अब प्लस माइनस माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, 5 से ये कटा 20 टाइम, ठीक। अब कुछ मत करो, 2 से दोनों को काटो, 2 टाइम जा और 2 14 जा, हाँ या ना? 14 टू जा 28 होते हैं, ठीक है ना। अब इस जीरो को हटाया तो पॉइंट एक कदम आगे आ गया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस के हुआ ये 23, देख लो 28 में से 5 गया, 3 जीरो बचे। भैया ऐसा समझ लो, आपके पास 28 रुपये का उधार था आपके ऊपर, 5 रुपये आपने चुका दो, 30 रुपये बचे नहीं बचे उधार में, बस माइनस। ये कितना आया? 1.4 आया। समझ में आया कैसा आया? 1.4 का समझ में आया नहीं आया? बस ये बताओ, ये समझ में आया? 1.4 पक्का? चलिए, अब माइनस माइनस प्लस, अब तो वही वाला काम, 23.0 को 1.4 से प्लस करना है, क्योंकि आएगा आंसर भले ही माइनस में लेकिन वो फिलहाल प्लस रहा है, तो 4, 4, 2, ये 24.4 कैसा है? समझ में आया? तो ये माइनस के 24.4, ये आपका आंसर आया इसका। तो कितने की कमी आई? 24.4 की कमी आई। समझ में आया या नहीं? यहां तक आज ये यहीं तक करेंगे, और आज जो है टाइप 5 का जो क्वेश्चन थे, टाइप 5 के थे ये आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, एक तो 2D शेप पे भी और एक 3D शेप पे भी। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछ जरूर लेना, क्योंकि 3D शेप पे आपको आ सकती है, स्टार्ट में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी उसमें, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका कल से क्वेश्चन लगेंगे वो सिर्फ आपको लैंग्वेज में हल्का सा परेशान करेंगे, वो क्वेश्चन वैसे नहीं दिक्कत देंगे, लैंग्वेज में हल्का सा परेशान करेंगे वो। वहाँ आपको बस लैंग्वेज के कुछ वर्डिंग बताऊंगा, उससे पकड़ के उसे कर देना। चलिए, इतना सजवाया? चलिए, हैव ए नाइस टाइम।